सुशील मोदी को यह बोलने का कोई हक है कि कांग्रेस ने लालू प्रसाद जी से इस कार्यक्रम को उद्घाटन करा के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का अपमान किया? अपमान तो बीजेपी करती रही है श्री कृष्ण सिंह जी, जो कभी भी उनके कार्यक्रम को धूमधाम से नहीं मनाया, न अपने मुख्यालय में न राजधानी पटना। ये सब आधारहीन बात है। सुशील मोदी की सब बातों को आप कहाँ का खंडन करेंगे? वो कहा ना, उन्हें अपने पार्टी के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लालू प्रसाद यादव के बचाव में उतरी कांग्रेस। प्रेमचंद मिश्रा जो कि कांग्रेस के एमएलसी हैं, उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव ने जेल से क्या सोनिया गांधी को कॉल किया था अखिलेश सिंह को सांसद बनाने के लिए? आखिर लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था? तमाम वो बातें बता रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा। सबसे पहले आप उन्हें सुनिए। ये सब आधारहीन बात है। सुशील मोदी की सब बातों को आप कहाँ का खंडन करेंगे? वो सिर्फ कहा ना, उन्हें अपने पार्टी के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। दूसरे दल में क्या हो रहा है, कौन किसको कहाँ से फोन कर रहा है, किन्होंने किसको क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, जेल से फोन किया था, मिस कॉल कर मैं भी सुन रहा था उनके भाषण को, आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा, ये नाम आया था हमको कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से कहा गया था, हमको बोला ठीक है अच्छा हम लोग जीता के भेजेंगे, उन्होंने जीता के भेजा। आप ठीक से सुने नहीं इसका। उन्होंने ये कहा था कि जब हम जेल में थे, रांची जेल में, उस दौरान सोनिया गांधी से हमारी बातचीत हुई और हमने कहा था कि अखिलेश प्रसाद सिंह को सांसद बनाइए क्योंकि वो दूसरे के लिए आए थे। उन्होंने जेल की बात कभी नहीं की, उन्होंने कहा जब हम रांची में थे। बीजेपी ने उनको साइडलाइन कर दिया। आज अपनी राजनीतिक उपयोगिता को किस तरह से प्रकट करने के लिए सुशील मोदी रोज अनाप शनाप बयान देते हैं कि बीजेपी का नेतृत्व समझे कि नहीं उपयोगी आ रहा है, ये सबको पता है। हम उन्हीं लोगों को अपना मंच देते हैं, आमंत्रण देते हैं, जिनको मानते हैं कि हमारे सिद्धांतों के प्रति उसकी आस्था है। बीजेपी बताए ना, उसने किसको सम्मान किया? उसने तो अपने पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री रहते हुए इन लोगों ने उनकी भावनाओं के विपरीत काम किया था, गुजरात से लेकर हर जगह। आज लालकृष्ण आडवाणी जी कहाँ है? बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुप है, कुछ नहीं बोलता है। तो जिस पार्टी के लोग सामाजिक न्याय पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, अपने ही पुरखों और पूर्वजों का अपमान करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं, उस बीजेपी वालों को, उन भाजपाइयों को, उस सुशील मोदी को यह बोलने का कोई हक है कि कांग्रेस ने लालू प्रसाद जी से इस कार्यक्रम को उद्घाटन करा के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का अपमान किया? अपमान तो बीजेपी करती रही है श्री कृष्ण सिंह जी, जो कभी भी उनके कार्यक्रम को धूमधाम से नहीं मनाया, न अपने मुख्यालय में न राजधानी पटना। अगर कभी मनाया हो तो उसके प्रमाण पेश करो, हमने तो कभी नहीं देखा। ये तो गोडसेवादी लोग हैं, ये गांधीवादी तो हो ही नहीं सकते। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले गांधीवादी नेता भी थे, जिनका आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान है। सामाजिक न्याय के लिए देवघर में लाठी डंडा खाकर उन्होंने दलितों के मंदिर में प्रवेश का मार्ग सुनिश्चित कराया। बीजेपी बताए उसके नेताओं ने कभी दलितों के लिए कोई काम किया हो, कभी दलितों को पार्टी संगठन से लेकर सत्ता में कहीं भागीदारी दी हो? बिहार में नेता तो सुशील मोदी है, बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो सुशील मोदी बने, क्यों नहीं किसी दूसरे वर्ग के लोगों को आने दिया? हर पद पर वही बैठते थे। तो आज जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं सुशील मोदी, उन्हें इन बातों को समझना होगा और इस पर स्थिति को स्पष्ट करनी होगी। क्या ये सच नहीं है कि लालू प्रसाद इस राज्य के लोकप्रिय नेता है, बड़े नेता है, बड़े कद के नेता है और सामाजिक न्याय के और धर्म विवेकता के फॉलोअर है?
जो श्री बाबू थे, तो श्री कृष्ण सिंह जी के बताए रास्ते पर चलने वाला नेता को अगर हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रण दिया, उनसे कार्यक्रम का उद्घाटन कराया, जो देश के जाने माने लोकप्रिय नेताओं में से एक है लालू प्रसाद जी, तो बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? अगर तुमको दर्द हो रहा है तो तुम भी डॉक्टर श्री कृष्ण जी के आदर्शों पर चलो, अपने पूर्वजों का सम्मान करो, उनका जन्मतिथि मनाओ, उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लो, तो खुद तो कुछ करेंगे नहीं, जनहित से जुड़े मुद्दों पर कुछ बात करते नहीं, रोज बयान दे। और अब इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, इस पर इतना चिंतन करते रहते हैं। अरे कम से कम अपने पार्टी में क्या हो रहा है उनके वो तो देखें, एनडीए में क्या हो रहा है वो क्यों नहीं देखते? तो मैं इन बातों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि हमने कोई पहली बार डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती नहीं मनाई, हम तो लगातार प्रतिवर्ष मनाते हैं और बड़े पैमाने पर। तो आपने सुना प्रेमचंद मिश्रा जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मंच से लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कतई नहीं कहा कि उन्होंने जेल से फोन किया था। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश सिंह को सांसद बनाने के लिए सोनिया गांधी से बात की थी या की होगी, मगर जेल से किया ऐसा लालू प्रसाद यादव ने तो बिल्कुल नहीं कहा। खैर, लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा था हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी। वहीं दूसरी तरफ सुशील कुमार मोदी पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का तो ये सिद्धांत ही रहा है कि जो पूर्वज हैं उनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें अपमानित करना। खैर, इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।